चांद पर उतरने के 50 साल पूरा करने के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नासा ने अपने मिशन एटमिस का ऐलान किया, जिसके तहत 2024 में पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा जाएगा। ये मिशन चांद की सतह पर पानी, बर्फ और दूसरी प्राकृतिक चीजों की तलाश करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या वहां इंसानों के बसने लायक वातावरण तैयार किया जा सकता है या नहीं। नासा के मुताबिक मिशन एटमिस पुराने अपोलो मिशन से काफी अलग है और इसके जरिए इंसान को मंगल तक पहुंचाने का रास्ता भी जो है वो तैयार किया जाएगा। इस महंगे और बड़े मिशन के लिए नासा और अमेरिकी विज्ञान कंपनी बोइंग साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा ताकतवर रॉकेट तैयार कर रही है। इटली के तुरीन शहर के एयरपोर्ट भारी मात्रा में हथियार समेत एक मिसाइल पकड़ी गई, जिसके बाद इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये मिसाइल जा कहां रही थी उसका पता अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन 15 जुलाई को एयरपोर्ट के हैंगर यानी वो जगह जहां विमानों को रखा जाता है, वहां मिसाइल मिलने के बाद इटली में हड़कंप मच गया। लिहाजा पुलिस वालों ने फौरन पूरे इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस को लोहे का एक लंबा बॉक्स मिला, जिसके अंदर फ्रांस में बनी सुपर 530F मिसाइल रखी थी। मिसाइल के साथ हथियारों का जखीरा भी मिला, जिनमें 26 ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक गन, बंदूकों के पुर्जे, 800 गोलियां और 20 चाकू थे। ये तमाम हथियार ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अमेरिका के बने हुए हैं। लेकिन इटली की पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात एयरपोर्ट पर मिसाइल का मिलना रही। जानकारी के मुताबिक हवा से हवा में मार्क करने वाली सुपर 530F मिसाइल को 70 के दशक में फ्रांस में बनाया गया था। हालांकि 37 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को बनाने का काम बंद किया जा चुका है, लेकिन इसका निर्माण बंद करने से पहले 1980 में फ्रांस ने 40 सुपर 530F मिसाइलें कतर को बेची थी। इटली में जो मिसाइल मिली वो कतर को 1980 में बेची गई मिसाइलों में से एक है। हालांकि कतर ने सफाई दी कि उसने कुछ मिसाइलें अपने एक मित्र देश को 25 साल पहले बेची थी, लेकिन कतर ने अपने उस मित्र देश का नाम नहीं बताया। वहीं इटली पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इन हथियारों के जरिए इटली का कोई कट्टरपंथी संगठन बड़ी तबाही मचाने वाला था। लेकिन हथियारों के मिलने के बाद इटली के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री मैटेओ सेल्विनी के बयान से इस मामले में नया मोड़ आ गया। मैटेओ सेल्विनी का दावा है कि उनकी हत्या के लिए हथियारों की खेप इटली भेजी गई और इसके पीछे यूक्रेन का एक कट्टरपंथी संगठन है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सेल्विनी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मोहरा कहा जाता है। पुतिन का जो यूरोप में बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम करने के लिए मैटेनी की हत्या कराई जाए और मैटेनी का प्रभाव जो है पूरे इटालियन पॉलिटिक्स में उसको कम करके या समाप्त किया जाए, तो इसकी वजह से ही ये साजिश रची जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इटली की पुलिस पिछले एक साल से यूक्रेन जाकर रूस के समर्थन वाले लड़ाकों का साथ दे रही है। बाढ़ से बेहाल चीन में लोगों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहां एक दिन पहले 4 सैलानियों की बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई। जबकि शांची प्रांत में एक नदी पर बना लोहे का भारी भरकम पुल देखते ही देखते बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पुल को तिनके की तरह अपने साथ बहा कर ले गया। कुछ इलाकों में फिर से बारिश होने के बाद एक कार नहर में बहती दिखी। नहर के किनारे बनी सड़क कटने से कई गाड़ियां गड्ढे में गिर गईं। बचाव दल ने कई गाड़ियों को सड़क के किनारे से हटाया। वहां की सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। सड़क कटने से बचाने के लिए लोगों ने मिट्टी की बोरियों का इस्तेमाल किया। दक्षिणी चीन के एक इलाके में बारिश के पानी के साथ पहाड़ की मिट्टी गिरती नजर आई, जिसकी वजह से कीचड़ वाला पानी लोगों के घरों में घुस गया। कुछ जगहों पर खुदाई करने वाली मशीन से कीचड़ और मिट्टी हटाई गई। मकानों में फंसे बुजुर्ग और बीमार लोगों को निकाला गया। एक इलाके में बाढ़ में बहने के बाद एक खेत में फंसे 2 लोगों को नाव की मदद से बचाया गया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक फेसबुक पोस्ट पर बहस छिड़ गई। 15 जुलाई को की गई इस पोस्ट में राहुल गांधी ने 4 तस्वीरें डालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की थी, लेकिन लोगों ने दावा किया कि सारी तस्वीरें इस साल आई बाढ़ की है ही नहीं, जिसके बाद राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि उन्होंने फेसबुक पर असम बाढ़ की जो तस्वीरें डाली वो इस साल आई बाढ़ की नहीं है। ये तस्वीरें राहुल गांधी ने 15 जुलाई को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए डाली थी। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की थी, लेकिन वो तस्वीरों पर बुरी तरह घिर गए। लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी पर बाढ़ की पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल करने का भी आरोप मढ़ दिया गया और कई लोगों ने तो दावा किया कि राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए ऐसी तस्वीरें डाली हैं जो लोगों को गुस्से से भर दें। इन तस्वीरों में बाढ़ से जूझते लोगों को देखा गया।
जिनमें पहली ही तस्वीर असम की नहीं निकली। दूसरी तस्वीर जिसमें एक झोपड़े पर कई बच्चे बैठे हुए दिखाई दिए, वो भी इस साल आई बाढ़ की नहीं निकली। गूगल से पता चला कि ये तस्वीर असम में आई बाढ़ के दौरान खींची गई थी। वहीं तीसरी तस्वीर जिसमें एक आदमी सिर तक डूबकर बच्चों को ले जाते हुए नजर आया, वो तस्वीर भी इस साल आई बाढ़ की नहीं निकली। पता चला कि ये तस्वीर 6 साल पुरानी है, जिसे कई ऑनलाइन वेबसाइट पर भी इस्तेमाल किया जा चुका है। मौतम के लिए भेजा गया, लेकिन महिला की मौत से उसके घर में मातम पसर गया और महिला के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बुरे वक्त में कुछ लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग बिलक बिलक कर रोते रहे। बताया गया कि कच्चा बनियान गिरोह के बदमाशों ने घर में मौजूद एक दूसरी महिला और एक बच्चे से भी मारपीट की और वहां से जेवर और नकद रकम लूट कर ले गए। जिस मकान में बदमाशों ने महिला की हत्या की, वहां सामान बिखरा दिखा और जमीन पर महिलाओं की चूड़ियां भी टूटी मिली। उन्होंने ना मम्मी को भी मारा था और अम्मा को भी मारा था मोटे मोटे डंडों से। वहीं पुलिस ने इस मामले में कच्चा बनियान गिरोह के बदमाशों को पकड़ने का भरोसा दिया। उनको तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लोग बाद में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तेज प्रताप के शिव मंदिर में पूजा करने का वीडियो वायरल हो गया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का सावन पर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश में मिलावटी दूध बेचने की खबरों के बीच प्रशासन ने बुरहानपुर में छापेमारी कर दूध के सैंपल लिए। हम ये पता लगा रहे हैं कि कहीं दूध में किसी और चीज की मिलावट तो नहीं हो रही। यूपी के सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गोली लगने से एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। घेराबंदी के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। युजवेंद्र चहल के 29वें जन्मदिन के मौके पर बीसीसीआई ने उनके कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इंग्लिश तो चाहिए मेरे को। इंग्लिश तो होगा ही, सॉरी अपना चैनल भी हिंदी लोगों के लिए और थोड़ा सा उधर भी देखिए, कप्तान साहब हमारे साथ आगे पूरी कोशिश कर रहे हैं चैनल में घुसने की, हमने उन्हें घुसा लिया फिर भी। दक्षिण कोरिया पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों के विरोध में कई लोगों ने जापान के खिलाफ सोल में प्रदर्शन किया। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म खानदानी शफाखाना का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया। शरीफ घर की लड़की हो, कैसे कामों में पड़ रही हो? ओ यार, बगैर डिग्री के खानदानी शफाखाना चलाती थी ये। तुम्हारे एक झूठ ने शफाखानी को डुबो दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन विवाद पर दो पक्षों के बीच एसडीएम कोर्ट में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दो पक्ष कोर्ट के कमरे के अंदर मारपीट करते दिखाई दिए। हंगामे के समय वहां काफी लोग मौजूद थे, जो मारपीट शुरू होने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। हंगामे के बीच एक पक्ष के आदमी ने दूसरे पक्ष के आदमी के सिर पर डंडा मार दिया और वहां से भाग गया। कुछ देर तक हंगामा शांत रहा और वहां गिनती के लोग ही बचे, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां कुछ लोग लाठी लेकर पहुंच गए और दूसरे पक्ष पर धावा बोल दिया, जिसके बाद लाठियों से बचने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने कुर्सी और मेज उठा ली और हमला कर रहे लोगों पर मारने लगे। इस बीच दो आदमियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने शांत होने के बजाय बीच बचाव करने वालों पर ही डंडे बरसा दिए, जिसके बाद एक आदमी डर की वजह से वहां से दूर हट गया। काफी देर तक चले इस हंगामे में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी, जिसके बाद वहां एक अधिकारी पहुंचा और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। केंद्र सरकार के आरटीआई कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर सियासी पारा चढ़ गया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आरटीआई कानून में संशोधन की कोशिशों की कड़ी आलोचना की और एक चिट्ठी लिखकर आरटीआई कानून में संशोधन का विरोध किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आम आदमी को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार के बिल को आरटीआई कानून खत्म करने की साजिश माना। आरटीआई कानून, जो इस देश की जनता के लिए सूचना पाने का एक मजबूत हथियार था, उसको खत्म करने की आप कोशिश कर रहे हैं आरटीआई बिल के तहत। लेकिन केंद्र सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन की कोशिश को लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम करार दिया। किसी भी तरह से आरटीआई की स्वायत्तता, उसकी इंडिपेंडेंस को समझौता करने वाला नहीं, यदि कहीं ऐसी धारणा है तो गलत है। लोकसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन के लिए लाया गया बिल पास करा लिया, जिसके लिए लोकसभा में 4 घंटे तक चर्चा हुई और अब इस बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन विपक्ष की मांग है कि राज्यसभा में पेश
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का रोजगार छीनने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि पहले ये महिलाएं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करती थी, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के खाते में ट्रांसफर करने का नया फैसला ले लिया, जिससे इन महिलाओं के सामने काम का संकट खड़ा हो गया। यहाँ देखिए, महिलाएं भी हैं, सिलाई मशीन भी है, लेकिन इनके पास काम नहीं। इन महिलाओं ने पिछली सरकार की एक योजना के तहत कर्ज लेकर सिलाई मशीनें खरीदी थी, लेकिन काम नहीं होने की वजह से उनके लिए कर्ज की किस्त चुकाना भी मुश्किल हो गया। एक दो महीने हमने किस्त भरी 2000 रुपए महीने, इसके बाद फिर सेंटर बंद हो गया तो हम किस्त भी नहीं भर पाए। बच्चों के खातों में भी अभी तक पैसे नहीं आए, जिसकी वजह से वो बिना यूनिफॉर्म स्कूल जाते दिखे। अब हम नए हैं, अभी देश नहीं मिली। टीचरों ने भी साफ किया कि पैसा नहीं आने की वजह से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं खरीदी जा सकी। ड्रेस अभी आई नहीं है, इस कारण मैं दे नहीं पाई। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने कमलनाथ सरकार पर महिलाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और महिलाओं के रोजगार के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया। असंवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है। सरकार ने फैसले का बचाव तो किया, लेकिन महिलाओं को रोजगार देने के वादे पर चुप्पी साध ली। हमारा वचन अभी पूरा करने के लिए हमारे तो पूरे 5 साल है ना। बताया गया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनकी ही सरकार के एक फैसले की वजह से प्रदेश भर की हजारों महिलाओं के सामने काम का संकट पैदा होने का दावा किया गया। मीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। बताया गया कि इस आग में रबर के गोदाम के साथ केमिकल के 3 गोदाम भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। स्पेन के बार्सिलोना में एक चर्च बीते 137 साल से बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये चर्च दुनिया की सबसे लंबे समय से बनने वाली इमारत है। जानकारी के मुताबिक स्पेन के बार्सिलोना में बनाया जा रहा ये लास क्रादस फैमिलिया चर्च जो है, उसका निर्माण 1882 में शुरू हुआ था और 137 साल बाद भी इस चर्च को बनाने का काम जो है वो जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये चर्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पहले सबसे ज्यादा वक्त में बनने वाली इमारत के तौर पर ताजमहल और गीजा के पिरामिड का नाम दर्ज था। ताजमहल 20 साल और गीजा के पिरामिड 30 साल में बनकर तैयार हुए थे और पूरी तरह तैयार नहीं होने के बाद भी ला सग्राडा फैमिलिया चर्च जो है वो स्पेन की सबसे मशहूर जगहों में एक है, जहां हर साल 40 लाख सैलानी पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बांध में गहरे पानी में डूब रहे दो भाइयों में एक की जान मछुआरों ने बचा ली। ये दोनों लड़के अपने कुछ दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने वहां पहुंचे थे, लेकिन नहाते वक्त ये दोनों भाई गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। पानी में डूब रहे दोनों भाइयों को जैसे जैसे मछुआरों ने एक एक कर बाहर निकाला, पानी से बाहर निकालने के बाद एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन इस घटना में दूसरे लड़के को काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी बचाया नहीं जा सका। बताया गया कि जब पानी से उसे निकाला गया तब उसकी सांसें चल रही थी, लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की लेकिन उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों पर लगा। आरोप है कि 2 दिन पहले कोलकाता में हुई ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार में मातम छा गया और परिवार वालों ने इस हत्या का आरोप बीजेपी से जुड़े लोगों पर लगा दिया। बाबा और आमिटी दे गए लो बाबा, ओए बीजेपी चले रागो। हत्या से नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जे सीपीएम एर जरा हरमल छिलो जरा एखन गेरुआ जमापुरे घुरे बेड़ाचे, जबकि बीजेपी ने इस हत्या को टीएमसी कार्यकर्ताओं के आपस की लड़ाई का नतीजा बताया। बीजेपी को संबंध नहीं, अपना जानें तृणमूल जो गोष्ठी द्वंदे अनेक मर्डर हुए। आरोप है कि मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता पर उस वक्त हमला हुआ जब वो पार्टी की बैठक से लौट रहे थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने पर चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पानी बचाने और केंद्र की नीतियों को जनता तक पहुंचाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। देश के जल सुरक्षा के इस अभियान में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इन सब विषयों को सम्मिलित रूप से एक बार अनौपचारिक रूप से सारे सांसद मित्रों के साथ में साझा किया है। मध्य प्रदेश के सागर में एक किसान की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में परिवार ने खुदकुशी का दावा करते हुए कर्ज को वजह बताया। पापा जी बोलते रहते थे कर्जा की दिक्कत थी, बैंक से नोटिस आ रहे। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश
अरेस्ट हुआ है। रूस में एक हॉर्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें प्रतियोगी पुराने वक्त में होने वाले युद्ध की तरह कपड़े पहनकर एक दूसरे से घोड़ों पर लड़ाई लड़ते नजर आए। सर्स्की बॉय полностью имитировал те старинные времена, которые